हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक चार्ट 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिस्का कंपनी की ये स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। या दोस्तों, इसको मैं बहुत टाइम से खोज रहा था, मुझे सारी कंपनीज के मिल गए, यूबॉन, बॉट्स, नॉइस, सारी कंपनी के मिल गए, बट ये कंपनी कुछ खास थी, जिसका दोस्तों मॉडल नंबर SSW115 है। जी हाँ, मैंने भी अभी तक इसको खोल के देखा तो नहीं है, बट मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स है, कैसी है बिल्ड क्वालिटी और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिखने में कुछ बॉक्स ऐसा दिखेगा आपको, पहले कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका। ऊपर बड़े अक्षरों से सिस्का एसेसरीज हाईलाइट कर दिया गया है, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही प्यारे कलर में आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग, जेनिक ऑलवेज डायल एंड 25 मल्टी स्पॉट्स मोड मिल जाएगा आपको। टाइम सीरीज से है, जैसे कि बड़े अक्षरों में लिखा है मून टाइम सीरीज, कुछ इस तरीके का बॉक्स है दोस्तों। इसमें पेडोमीटर सेंसर, हेल्थ रेट, फिर वेदर फोकस और लेंथ फ्रंट, और साथ ही साथ दो गेम भी दिया गया है और कैमरा कंट्रोल भी है। तो पीछे की साइड सारे फीचर्स लिखे गए हैं। स्मार्ट वॉच है, मॉडल नंबर इसका जो मैंने आपको बताया था SSW115। हालांकि ये मॉडल नंबर आपको ऑनलाइन भी नहीं देखने को मिलेगा और ऑफलाइन भी ढूंढने से मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये 12 मंथ की वारंटी देती है, और कलर में ये रोज़ गोल्ड है जो मेरी फेवरेट है, और ये बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं। और इसमें हुआ एंड्रॉयड 5.0, iOS 9.0 का वर्जन है ये। चलिए फाइनल इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, तो माल खुल गया है और कुछ इस तरीके का है ये। इसको बॉक्स से बाहर तो निकालें, तो फाइनल ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और दिखने में बहुत ही प्रीटी दिख रहा है। और गोल्ड कलर से इसका फ्रेम है, और बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है। हालांकि सिस्का का है तो देखना तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सिस्का नाम ही बहुत ही फेमस है। चाहे उसकी ट्यूबलाइट हो या कोई भी चीज़ लें आप, बहुत ही अच्छी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो घड़ी की ओर बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में दोस्तों ये ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको गाइडलाइंस मिलती है कि इसमें इस घड़ी को कैसे यूज़ करना है, क्या है, क्यों है और कैसे है। तो ये कुछ इसकी गाइडलाइंस है, बहुत ही लंबी है, और साथ ही साथ इसमें वारंटी कार्ड भी आपको अंदर ही अंदर मिल जाता है। गाइडलाइन में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें बहुत ही क्लियरली डिटेल के साथ लिखा गया है कि कौन कौन से फंक्शंस मिलेंगे, क्या होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में, और साथ ही साथ एक चार्जिंग केबल मिल जाता है आपको, जो इसकी लेंथ लंबी है, लगभग एक डेटा केबल के बराबर है। ये सबसे अच्छी चीज़ दी गई है कि दूसरे स्मार्ट वॉच में पीधी पीधी से चार्जर दिए जाते हैं, जिसमें कई बार तो घड़ी टूट के गिर भी जाती है, हालांकि इसका लेंथ ज़्यादा लंबा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। चलिए घड़ी की ओर आ जाते हैं। अब आगे से कुछ ऐसा दिखता है, और पीछे से कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, पीछे एक छोटा सा लाइट है जो आपके ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह का। हालांकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बेल्टों में आपको स्लाइड करके लगाने का होता है, बट इसमें बहुत ही इजी तरीके से आप लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बस निकल गया, और ऐसे ही इसको आप लगा भी सकते हैं। ये तो मैंने लगा दिया फाइनली। तो कंपनी की ब्रांडिंग की गई है सिस्का, और मॉडल नंबर इसका इधर पीछे की तरफ लिखा गया है SSW115। और चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं कैसी है। ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो इसको स्विच ऑन करते हैं एक बार। नीचे भी बहुत ज़ोरदार ब्लिंकिंग किया था इसने, देखने में कुछ आपको ऐसा दिखेगा ये। इसमें दोस्तों दो स्विच दी गई हैं, जिसमें आप पावर ऑन ऑफ और बैक का इससे काम चलता है, और ये शॉर्टकट मोड है, सीधा यहाँ से आप जो आपकी ट्रेनिंग जोन मोड है वहाँ पे आपको सीधा ले जाएगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। ओके, तो फाइनली इसमें डिटेल्स क्या हैं जरा वो भी देख लेते हैं लगे हाथ, क्या क्या इसमें हमने कंपनी ने हमको दिया है। सबसे पहले तो इसका डायलर पैड चेक करते हैं। ओके, तो इसमें आपको कुछ थीम्स दिए गए हैं, एक मियाओ वाली थीम्स है, एक ये भी बहुत अच्छा थीम्स है, साथ ही साथ ये आपका घड़ी वाला भी, ये घूमता बहुत ज़ोरदार है नट बोल्ट की तरह। ओके, और क्या है, और एक ये है,
ये भी अच्छा है। चलिए ये सब तो ठीक है, बट मेन चीज़ इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलती है ये भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो जब आप ऐसे स्लाइड करेंगे, इस तरीके से स्लाइड करना है, इस तरीके से, तो ये मेनू खुल जाता है जिसमें आपको टेम्परेचर, और हालांकि इतना ही मेनू है, इसके आगे मेरे ख्याल से होगा नहीं। अच्छा, ऐसे ही ऐसे क्या है ये सर? ओके, ये तो सर पुराने ज़माने में जो फ़ोन आते थे, पता है उंगली करके ऐसे अपने घुमाते थे, वही सिस्टम है इसमें। देखिए इस तरीके का है जिसमें सेटिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप इस तरीके से वन बाय वन सारी चीज़ें टेक ऑफ कर सकते हैं, और कोई भी मेनू खोल के ऐसे देख सकते हैं। तो जब आपको इसको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो इसमें आपको बैटरी और एक हैंड फ्री का ये बता देगा कि लगाया गया है कि नहीं लगाया, साथ ही साथ ये बैटरी बता देगी, और एक कॉल का भी है, साथ ही साथ वेदर्स और टेम्परेचर दोनों चीज़ बता देगी। वाइब्रेशन, ब्राइटनेस, मूड, ओके, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक फुल वीडियो जब बनाऊँगा इसका, जो सारे इसके ऑप्शन से मेनू या कौन सी एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, इस सारे में एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसका जो टच है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, एकदम स्मूथ है। ये देख लीजिए, कोई मतलब ऐसा ही नहीं कि घिस पिस कैसे करके करना है, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ है। और ये इसका जो बारकोड है, इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको ये मोबाइल में एप्लीकेशन। बात करते हैं इसकी प्राइस की कि कितने तक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये मार्केट में लगभग आपको 4000 या 3800 के बीच मिल जाएगी, और इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है, और पहनने के बाद मैं बता देता हूँ कैसा लुक है। हालांकि मेरी फेवरेट तो यही है हमेशा से। तो दोस्तों, पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक देता है ये, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, हल्का है, ज़्यादा भारी वेट नहीं है, एकदम लाइट वेट है, और एक बहुत ही प्रीटी लुक देती है हाथ को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मेरे हाथों पे, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो पहने में भी लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी बिल्ड की बहुत अच्छी है। तो इन शॉर्ट, और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक साल की फुल्ली वारंटी भी मिलती है हमको, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और सिस्का का प्रोडक्ट कहने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी आती है। तो फाइनली, अगर आप भी 4000 के अंदर कोई घड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं। लुक वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, सभी तरीके से फुल्ली अच्छी है, सारी चीज़ें सपोर्ट भी करती है। आप भी अगर 4000 के अंदर कोई अच्छी कंपनी का घड़ी लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी और अलग अलग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग होती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।